जैन फ्रेंड्स, एम्पावरिंग इंडिया डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक प्रैक्टिस करेंगे। आज इसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो दोस्तों चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम ये चैनल में इंडियन आर्मी का तैयारी हम करा रहे हैं, और आप घर बैठे इंडियन आर्मी की तैयारी करा सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फल और सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दोस्तों इसमें दिया है, इंग्लिश में भी लिखा है, व्हिच विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल, सब्जी और फल में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दोस्तों इसमें दिया है विटामिन ई, सी, के। ये तीनों फ्रूट्स और सब्जी में रहता है, बट विटामिन डी सूरज का किरण में रहता है, मिलता है। ओके, तो विटामिन डी वेजिटेबल और फूड में नहीं मिलता है, बाकी ये तीनों, फर्स्ट तीनों इसमें मिलता है। ओके, दो नंबर है दोस्तों, कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? दोस्तों कुष्ठ रोग या लेपर्सी बोलते हैं जिसको, इंग्लिश में लेपर्सी इज कॉज्ड बाय। लेपर्सी बीमारी किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। ओके, तीन नंबर है, इनमें से सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आया था, ये हमारा संबलपुर एयरो का एक क्वेश्चन आया था, कौन सा पानी सबसे शुद्ध पानी माना जाता है? रिवर वाटर, वेल या कुआ या रेन वाटर, बारिश का पानी। दोस्तों बारिश का पानी सबसे शुद्ध जल होता है। ओके, चार नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रात के समय वृक्ष कौन सा गैस छोड़ता है? बोलते हैं कि रात के समय कोई पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, किस लिए? क्योंकि रात के समय जो वृक्ष है, जो पेड़ हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो इंसान को चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन पेड़ रात के समय छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके नीचे यदि आदमी सोता है, इंसान सोता है, तो उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और वो बीमार पड़ सकता है। इसलिए बोलते हैं कि पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। ओके, पाँच नंबर दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य किरण से मिलता है? दोस्तों विटामिन डी सूर्य किरण से मिलता है। ओके, छः नंबर है दोस्तों, हमारा दांत किसका बनाया हुआ रहता है? दोस्तों दांत में टीथ इज मेड ऑफ, टीथ किसका बनाया हुआ रहता है? दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट या बोथ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। दोस्तों आंसर होगा बोथ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट का बना रहता है दांत। ओके, दोस्तों इसका कोई हिंदी नहीं है, कैल्शियम का फॉस्फेट का हिंदी नेम भी वही सेम होता है, मैक्सिमम टाइम हिंदी का मतलब कोई इंग्लिश नेम भी वही हमको लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, तो आप थोड़ा हिंदी और इंग्लिश के साथ थोड़ा एक्वेंटेड रहिए, ताकि आपको समझ में अच्छा आएगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही मिलेगा कैल्शियम और फॉस्फेट लिखा हुआ, वो हिंदी में लिखा होगा लेकिन कैल्शियम ही लिखा होगा। इंसुलिन कौन, सात नंबर है दोस्तों, इंसुलिन कौन सा बीमारी को ठीक करता है? दोस्तों हुइच डिजीज इज क्योर बाय इंसुलिन, इंसुलिन कौन सा बीमारी को ठीक करता है? आंसर होगा डायबिटीज। ओके, लिखा है डायबिटीज। इसके बाद एड्स बीमारी, हमारा बॉडी का कौन सा भाग को प्रभावित करता है? एड्स अफेक्ट टू हुइच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, एड्स जो लोगों को होता है, उसका कौन सा पार्ट को अफेक्ट करता है या प्रभावित करता है? दोस्तों यह होगा इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इम्यून सिस्टम मतलब हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम कर देता है, तो जैसे रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम कर देगा तो हमारा, हमको मतलब कोई भी छोटा मोटा बीमारी हो जाएगा और वो ठीक नहीं होगा, लंबा समय तक वो रहेगा और हम आदमी मर जाएगा, इसलिए इम्यून सिस्टम को वो अफेक्ट करता है। नौ नंबर है दोस्तों, जो प्राणी या वनस्पति खाने के लिए दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करता है, करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? दोस्तों कुछ जीव हैं जो कि खुद का खाना नहीं बना सकते, तो दूसरे के ऊपर, दूसरे का बॉडी के ऊपर निर्भर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इसमें दिया है एनिमल एंड प्लांट लिविंग इन और ऑन अदर अनदर्स एंड गेटिंग न्यूरिशमेंट फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड। फ्रेंड्स, जो एक जीव जो खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, उसका नाम है आमीबा, प्रोटोजोआ या पारासाइट। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? उसको बोलते हैं पारासाइट। ओके, ये लिखा है पारासाइट।
जो कि खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। डेंगू बीमारी किसके द्वारा फैलता है? दोस्तों डेंगू बीमारी वायरस के द्वारा फैलता है, ओके। या इसमें ऑप्शन भी आ सकता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा आएगा तो वो भी ठीक होगा, और वायरस है तो वायरस भी ठीक होगा, ओके। डेंगू बीमारी वायरस के द्वारा फैलता है, एक इन्फ्लुएंजा बीमारी है डेंगू, ओके, जो कि मच्छर इसका परिवाहक है, ओके। कोई आदमी का डेंगू हुआ है, उसको कोई मच्छर काटा और मच्छर के डंक में वो डेंगू का वायरस जाता है, और दूसरे आदमी को जब काटता है मच्छर तो उसको भी डेंगू हो जाता है, ओके। आँखों का निकटदर्शिता बीमारी कौन सा लेंस में ठीक किया जाता है? आँखों का निकटदर्शिता दोस्तों, जो ये बीमारी हमारा आर्मी का मेडिकल में भी चेक करते हैं, जिसमें हमारा नज़दीक का चीज़ दिखाई देता है, दूर का चीज़ दिखाई नहीं देता है, जो कि बच्चों को होता है या जवान लड़कों को होता है, जवान बच्चों को होता है, उसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया डिजीज़ इज़ क्योर बाय, तो जो निकट दर्शिता बीमारी आंखों का कैसे ठीक होता है दोस्तों, ये कॉनकेव लेंस या अवतरण लेंस यूज़ करने से ठीक होता है, ओके। कॉनकेव लेंस बोल सकते हो, नहीं तो अवतरण, हिंदी में बोले तो अवतरण लेंस, ओके। निकटदर्शिता बीमारी कॉनकेवलेंस से ठीक होता है। 12 नंबर है दोस्तों, एक मिश्र धातु जो कॉपर जिंक और निकेल से बना है, वन अलॉय व्हिच इज मेड ऑफ कॉपर जिंक एंड निकेल? दोस्तों उसका नाम है जर्मन सिल्वर, ओके। भारी जल का क्वथनांक क्या है? दोस्तों क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट, जो कितना टेम्परेचर में कोई भी पदार्थ बॉयल होता है, ओके। फुल मतलब गर्म होके गैस बनना शुरू होता है, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट जो उबलने का समय। तो भारी जल जानते हो, भारी जल का सिंबल है D2O, ओके। D2O भारी जल का सिंबल है, और वो भारी जल कितना डिग्री में गर्म होता है, उबलता है? 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म होता है, उबलता है, ओके। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 101.4, ओके। 14 नंबर है दोस्तों, लोहा निष्कासन भट्टी, जहाँ पे लोहा की पत्थर जो हेमाटाइट मैग्नेटाइट है उसको पिघला के लोहा निकाला जाता है, साफ वाला लोहा निकल जाता है, उसमें आयरन ऑक्साइड रहता है वो पत्थर में, तो आयरन ऑक्साइड को भट्टी भट्टी में से उसको कैसे अलग किया जाता है? तो उसमें इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस, जो ब्लास्ट फर्नेस या जहाँ पे लोहा निकलता है उसमें हम जब कार्बन मिलाते हैं, कार्बन आयरन ऑक्साइड को निकाल देता है, ओके। 15 नंबर दोस्तों, कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटमिक नंबर ऑफ कॉपर, एटमिक नंबर ऑफ कॉपर दोस्तों 29 होता है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।